अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम PDCL फ्लैश फाइबर राउटर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आप PDCL फ्लैश फाइबर राउटर का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके वाईफाई का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसका एडमिन वाला पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे आप PDCL फ्लैश फाइबर राउटर में ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट कैसे बना सकते हैं, मैक फिल्टरिंग और UR फिल्टर आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। PDCL फ्लैश फाइबर राउटर की मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो हम ब्राउजर ओपन करते हैं, यहाँ पे PDCL फ्लैश फाइबर राउटर का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस लिखेंगे जो कि 192.168.10.1 है, एंटर कर देंगे। यहाँ पर यूजर नेम एडमिन है और इसका जो पासवर्ड है डिफॉल्ट पासवर्ड इसका राउटर की बैक साइड पे लिखा होता है। ओपन करने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका पासवर्ड लगा दिया। राउटर का मेन पेज हमारे सामने ओपन है, यहाँ पर होम है, टोपोलॉजी है, इंटरनेट की सेटिंग्स है, लोकल नेटवर्क है, मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेटस मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर वैन डिवाइसेज है, PDCL फ्लैश फाइबर के साथ जितने भी डिवाइसेज कनेक्टेड होंगे वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे, उनके मैक एड्रेस, उनके आईपी एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मोबाइल यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ पर डिवाइसेस के नेम और उनके आईपी एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। ये तमाम वायरलेस डिवाइसेस हैं। इसके अलावा लैन के साथ अगर लैपटॉप या कोई डिवाइस कनेक्ट है तो आप लैन डिवाइसेस में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ वैन सेटिंग पे क्लिक करेंगे, स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको राउटर की पॉन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर ऑप्टिकल मॉड्यूल इनपुट पावर DBM है जो कि 21 DBM है। हमारे इस राउटर को जो फाइबर ऑप्टिकल पावर मिल रही है वो 21 DBM है। तो जब भी आप PDCL फ्लैश फाइबर इंस्टॉल करवाते हैं तो यहाँ पर ये DBM जरूर चेक किया करें कि ये DBM ज्यादा है या कम है। 21 से 25 तक अगर पावर रहे तो आपका जो PDCL फ्लैश फाइबर राउटर है बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मेन पेज है और यहीं से हम वाईफाई की सेटिंग को ओपन कर लेंगे। WLAN की सेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर वायरलेस सेटिंग में आ गए हैं। वायरलेस सेटिंग में आप WLAN ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास 2.4 GHz और नीचे 5 GHz की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2.4 GHz की वायरलेस सेटिंग चेक करते हैं, इसमें 13 चैनल है। इसके बाद सिक्योरिटी मोड की ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्री या किस कंट्री से इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। बैंडविड्थ है यहाँ पर 20 MHz या 40 MHz, आप इसको ऑटो पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसमिट पावर दी गई है नीचे, ये आप 20 से 100 तक है। तो आप अपने वाईफाई रेंज के हिसाब से ट्रांसमिट पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। 5 GHz की सेटिंग है, यहाँ पर चैनल ऑटो है। PDCL फ्लैश फाइबर में PDCL फ्लैश फाइबर राउटर में नंबर ऑफ द चैनल 161 है, 149 से 161 है। अगर आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर PDCL PDCL फ्लैश फाइबर 5 GHz के सिग्नल शो नहीं हो रहे तो आप यहां पर इनकी सेटिंग कर सकते हैं। इसको अगर आप ऑटो पे सेलेक्ट रखेंगे तब भी सिग्नल शो हो जाएंगे, अदरवाइज आप इसको 161 पे सिलेक्ट करें तब भी सिग्नल शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी कंट्री पाकिस्तान हमने दिया हुआ है और बाकी तमाम सेटिंग वैसी है जैसे हमने ऊपर 2.4 GHz की दी है। अगर आप वाईफाई का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे सेटिंग क्लिक करेंगे। WLAN SSID कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे SSID नेम है, हमने यहाँ पे इसका नाम लैब फ्लैश फाइबर रखा हुआ है। आप इसको अरेज कर कोई भी अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं और यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ओल्ड पासवर्ड होगा शो हो जाएगा, इसलिए इसको आप इजीली डिलीट करें और यहाँ से नया पासवर्ड आप क्रिएट कर लें। तो इस तरीके से आप अपने वाईफाई की सेटिंग कर सकते हैं, 5 GHz के सिग्नल की सेटिंग कर सकते हैं, वाईफाई का नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वाईफाई का पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस राउटर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके साथ जो भी इशू होगा आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।